Hello everyone, welcome to PYQ series. So today we are going to discuss 2020 time and work question. There are total two questions. One question from slot 2 and one question from slot 3. And in slot 1, there was no time and work question. So ये unfortunate हुआ है कि एक slot में कोई भी time and work question नहीं थे, but मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि लाइक ईच स्लॉट यू विल गेट एटलीस्ट वन टाइम एंड वर्क क्वेश्चन. किसी किसी स्लॉट में तो दो दो टाइम एंड वर्क क्वेश्चन भी आ गए हैं. सो ये एक अनफॉर्चुनेट थिंग्स था 2020 में स्लॉट 1 वालों के साथ कि टाइम एंड वर्क इतना ईजी टॉपिक का एक भी क्वेश्चन नहीं आया. सो देखते हैं जो स्लॉट 2 और स्लॉट 3 में जो क्वेश्चन आए हैं उनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या था और क्वेश्चन में क्या है. सो ये अपना पहला क्वेश्चन है, रीड करते हैं इसको. एंड गाइज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ पॉसिबल डू शेयर विथ योर फ्रेंड सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक बेनिफिट. रीड, अ कॉन्ट्रैक्टर एग्री टू कंस्ट्रक्ट अ 6 किलोमीटर रोड इन 200 डेज. ही इम्प्लॉयड 140 पर्सन फॉर द वर्क. After 60 days, he realized that only 1.5 kilometer road has been completed. How many additional people we have to find additional would he need to employ in order to finish the work exactly on time? Not very difficult question. Easy, moderate kind of question. So, solve karte hain. So, we know 6 किलोमीटर टोटल रोड है, 200 डेज में कंप्लीट करना है. इनिशियली वो 140 पर्सन इम्प्लॉयड करता है और 60 डेज काम करता है और 1.5 किलोमीटर वर्क को कंप्लीट कर पाता है. तो इस स्टेटमेंट से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जो पर्सन है उसका एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं. करते हैं 140 पर्सन we don't know efficiency into 60 days. 1.5 किलोमीटर को हम 1500 मीटर लिख सकते हैं. 1500 मीटर में करने का मेरा सेंस ये था कि ये 0000 कैंसिल आउट हो जाए. 1.5 से भी आंसर आएगा लेकिन वही है कि फ्रैक्शन पार्ट में बहुत हमको डील करना पड़ेगा. तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिए. अल्टीमेटली मेरा आंसर सेम आने वाला है. सो ये 1010 कैंसिल, 2353, सो एक्स इक्वल टू 5/28. सो वी गॉट द एफिशिएंसी ऑफ पर्सन. नाउ हाउ मेनी एडिशनल पीपल. सो वी हैव 140, लेट सपोज ए एडिशनल पीपल इम्प्लॉयड, एफिशिएंसी 5/28. In order to finish the work exactly on time. So initially 60 days 140 imply work. So the remaining days how much? 200 or 60 difference 140 and the remaining work 4500. 6 kilometer minus 1.5 kilometer that is 4.5 kilometer. Isko meter mein change kiya 4500. करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ. 28 5 जा सो 25 1 सो 200 25 8 180. तो 140 प्लस ए इक्वल टू 180. सो ए इक्वल टू 40. सो वी नो दैट additional 40 पर्सन employed to finish the job on time. So our answer is 40 additional people employed by contractor. So I hope this is clear to you. Not a very difficult question, easy question. बस हमको समझना था कि ये statement से मेरा efficiency find out हो जाएगा person का. फिर वहाँ से हम अपना जो total work equal to efficiency into number of days उस पर हम वर्क करके जो एडिशनल एम्प्लॉय है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सेकंड क्वेश्चन,
this is our second question. John takes twice as much time as Jack to finish a job. Jack and Jim together take one third of time to finish the job than John takes working alone. Okay. Moreover, in order to finish the job, John takes 3 days more than that taken by three of them working together. In how many days will Jim finish the job working alone? So very confusing name. Jim, John, Jack, all the initial alphabet same, and this is a confusing. Always focus these types of things ki haan, jab name ka alphabet similar ho, so wahan pe better ki aap naam hi likho, alphabet pe mat karo kyunki confusion hota hai. So solve karte hain. John take twice as much time as Jack to finish a job. So John ka jo time hai वो ट्वाइस है जैक के टाइम से. सो वी कैन राइट कि जॉन का जो इफिशियंसी होगा वो 1/2 होगा जैक के इफिशियंसी से. कैसे आया? इफिशियंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. हम लोगों ने पढ़ा ये चीजें, बेसिक है, कौन बेसिक जो टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोगों ने पढ़ा ये. सो सेकेंड, हाँ, सो इससे हम लिख सकते हैं कि जॉन का एफिशिएंसी जो है हाफ है जैक के एफिशिएंसी से. ओके, नाउ जैक एंड जिम, सो वी हैव जैक प्लस जिम टुगेदर टेक 1/3 ऑफ टाइम टू फिनिश द जॉब देन जॉन. सो जैक एंड जिम का जो टाइम है वो 1/3 है जॉन का टाइम से. सो जैक प्लस जिम का जो इफिशियंसी होगा वो 3 times होगा जॉन के इफिशियंसी का. जॉन का इफिशियंसी, ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अब लेट्स अज्यूम जैक का इफिशियंसी 2 है. लेट्स अज्यूम द इफिशियंसी ऑफ जैक इज 2, तो द इफिशियंसी ऑफ जॉन इज हाउ मच? 1. Put 2 here. 2 were cancelled. 2 agar, so 2 get cancelled. So efficiency of John is 1. Now we have efficiency of Jack and efficiency of John. So we can find efficiency of Jim. So Jack plus Jim equal to 3 into John equal to 3. So Jim ka efficiency jo hoga wo 1 hoga. So we got efficiency of all the 3 person. Now, अब क्या बोल रहा है कि moreover, in order to finish the job, John take 3 days more than that taken by 3 of them working together. So अब यहाँ टाइम का चीजें दिया है कि 3 days more ले रहा है John than 3 of them working together. So let's assume that कि जो 3 of them working together वो tea time ले रहे हैं. तो थ्री ऑफ देम मतलब जॉन और जिम और जैक, ये तीनों का एफिशिएंसी 4 हो गया. तो 4 × t इक्वल टू जो जॉन है तो जॉन का एफिशिएंसी 1 × ये 3 days मोर ले रहा है. सो वी अज्यूम यहाँ वर्किंग ऑल टुगेदर दे टेक 3 days. सो जॉन take t plus 3 days. So from this expression we can find value of t. So 4t equal to t plus 3, so t equal to 1. So t equal to 1, so what is the work? 4 × t, 4. Now we have to find Jim finish working alone. So total work 4, Jim ka efficiency 1, 4 days. So Jim will take 4 days to complete the job. So I hope this is clear to you. Not very difficult question, moderate kind of question. Kyunki name basic hai, but name ka confusion hai ki haan bahut name ko humko full likhna hai. So ye thoda sa time consume kar raha hai. So isliye hum isko moderate category में रख रहे हैं, अदरवाइज ये
बेसिक कैटेगरी में है और राउंड वन क्वेश्चन, दिस वन इज ऑल्सो राउंड वन क्वेश्चन, बेसिक टू मॉडरेट क्वेश्चन। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।